रानी परी की नन्ही राजकुमारी परी। एक बार की बात है, एक कोमल नाम की बहुत खूबसूरत नन्ही परी थी जो आज तक पृथ्वी लोक नहीं आई थी, ना ही उसने कभी धरती का नजारा देखा था। जहाँ पर हर कोई खुश रहता था, वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था, और सभी लोग कोमल परी से बहुत प्यार करते थे, और वो भी सबकी बहुत इज्जत करती थी और सबसे प्यार से बातें किया करती थी। एक दिन नन्ही परी का धरती पर घूमने का बहुत मन करता है। रानी परी से इजाजत लेने के लिए वो रानी परी के महल जाती है और कहती है, रानी परी, मैं आपसे यहाँ पर आज्ञा लेने आई हूँ। मैं काफी दिनों से धरती पर जाने की सोच रही हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दे दे तो मैं एक बार धरती पर जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल परी, हम तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हुए। अब तुमने बहुत कुछ सीख भी लिया है तो तुम धरती पर जा सकती हो। रानी परी से आज्ञा लेने के बाद कोमल परी दुनिया का दौरा करने का फैसला करती है और वो धरती पर उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचकर कोमल परी देखती है कि वहां पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर शहर है, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है और वहां पर बहुत ही ज्यादा तकनीकी फैली हुई है। ये सब देखकर कोमल परी बहुत खुश होती है। अब कोमल परी धरती को और अच्छे से देखना चाहती थी। जैसे जैसे वो धरती पर इंसानों की खोजबीन करती है, तब उसे एहसास होता है कि धरती पर सभी लोग अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं और वो अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं। ये देखकर कोमल परी थोड़ी उदास हो जाती है। यहाँ धरती पर कितने सारे अद्भुत चीजें हैं, परंतु फिर भी मानव अपने चीजों से प्रसन्न नहीं हुआ है। वो हमेशा अपनी इच्छा से ज्यादा चाहता है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमेशा दुखी रहेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ कभी अच्छी नहीं लगेंगी उन्हें। आसमान में उड़ते उड़ते परी एक गांव में पहुंच जाती है। गांव की हवा बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी और वहां पर परी को सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। परी जैसे ही उड़ते उड़ते सड़क के किनारे पहुंच जाती है, वहीं एक गांव में उसे एक छोटी सी लड़की रोते हुए नजर आती है। परी उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? यहाँ गांव में तो सभी लोग इतने खुश हैं। मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता मजदूरी करने गए हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी बच्ची की बात सुनकर कोमल परी को समझ आ जाता है कि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। ये देखकर परी को छोटी बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। कोमल परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस छोटी बच्ची के सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर खिलौने प्रकट कर देती है। खिलौने देखकर छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारे खिलौने लेने के बाद छोटी बच्ची परी को धन्यवाद दे देती है। परी को बच्ची की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। जब कोमल परी वहाँ पर छोटी बच्ची की मदद कर रही होती है तो ये सब रानी परी देख रही होती है। कोमल परी का दयालु स्वभाव देखकर रानी परी को बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को खुश देखकर कोमल परी को बहुत अच्छा लगता है। तभी कोमल परी को ये एहसास होता है कि वो पृथ्वी लोक पर लोगों को खुश कर सकती है और अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद से कोमल परी इंसानों की दुनिया में रहने लगती है और वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो अपनी जादू का इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुसीबत में मदद करती है। जब भी कोमल परी को कहीं भी उदासी दिखती तो वो वहाँ पर प्यार फैलाने की कोशिश करती और इस प्रकार नन्ही कोमल परी हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहने लगती है और उसके इस फैसले से रानी परी भी बहुत खुश होती है। परी का जादुई लहंगा। नथुपुरा गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसमें बहुत हरियाली थी। हरे भरे पेड़ पौधे, लाल गुलाबी सुंदर सुंदर फूल गांव की शोभा को और बढ़ाते थे। गांव में सुंदर सुंदर पहाड़, पहाड़ों से बहते हुए झरने बहुत अच्छे लगते। ये कहानी है उस गांव में रहने वाली एक लड़की विमला की, जो नथुपुरा में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। विमला बहुत साधारण लड़की थी।
ना ही वो ज्यादा किसी से बातें करती थी और ना ही ज्यादा घुला मिला करती थी। विमला के पिता सब्जी बेचा करते थे और विमला की माँ विमला को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। बेचारी विमला अकेले ही अपने घर में अपने पिता के साथ ही रहती थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन, पिताजी नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद सब्जी बेचने चले जाइएगा। ठीक है बेटी, मैं अभी आता हूँ, तू मेरे लिए खाना लगा कर रख दे। खाना खाने के बाद रामू अपनी सब्जियों का ठेला लेकर गांव-गांव में घूमने लगता है। आलू ले लो, बैगन ले लो, हरी हरी ताजा ताजा सब्जियां ले लो, रस्ते का माल सस्ते में ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। सब्जियां ताजी ताजी बिका करती थी और बची हुई सब्जियां बर्बाद हो जाती थी। सब्जियां बेचकर रामू को कोई फायदा नहीं होता था, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बिमला, बिटिया भी बड़ी हो रही है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूं। आज ही मैं गांव के सरपंच जी के घर जाता हूँ और उससे कुछ काम मांगता हूँ। ये बोलकर रामू अपनी सब्जियों का ठेला लेकर अपने घर वापस चला जाता है। पिताजी आज आप बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ बिटिया, सभी ताजी सब्जियाँ बिक गई है और यह बासी सब्जियाँ ही रह गई है जिसे कोई नहीं खरीदता है, इसलिए मैं घर वापस आ गया हूँ। पिताजी आप बहुत निराश नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? तू तो जानती ही है, मैं रोजाना 10 किलो सब्जियाँ लेकर जाता हूँ जिसमें से 3 किलो ही बिकती है, बाकी की सब्जियाँ ना बिकने से खराब हो जाती है और पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जितनी भी सब्जियाँ मैं बेचता हूँ उसमें से कुछ बचत नहीं हो पाता। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं कोई और काम देख लूँ, इसलिए आज मैं सरपंच जी के यहाँ काम मांगने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। इसके बाद रामू सरपंच जी के घर जाता है। सेठ जी, मैं आपके गाँव में रहने वाला एक नागरिक हूँ, आपके पास बहुत आशा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तू वही है ना जो चौराहे पे खड़े होकर सब्जियाँ बेचता है और नदी के पास वाली झोपड़ी में रहता है। हाँ सेठ जी आपने सही पहचाना, आप तो बहुत ही महान है, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है। हाँ हाँ मुझे अपने गांव में सभी की खबर रहती है कि कौन क्या कर रहा है। आप बता तुझे क्या काम है? मालिक, सब्जियों में मेरी कुछ बचत नहीं हो पा रही है और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है जिसका मुझे विवाह भी करना है, इसलिए अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुझे काम चाहिए तो कल से काम पर आ जाना, तू मेरे घर पर नौकरों के साथ काम कर लेना, बदले में मैं तुझे 3,000 रुपए महीने के दे दिया करूँगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। इतना कहकर रामू अपने घर जाता है और अपनी सारी कहानी अपनी बेटी विमला को बताता है। बेटिया, सरपंच जी ने मुझे काम पर रख लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सब्जियाँ बेचने जाऊँ और सब्जियाँ बेचने के बाद सरपंच जी के घर पर जाकर उनके काम भी कर लूँ। परंतु पिताजी अब आपकी उम्र हो गई है, आपको इतना काम करना शोभा नहीं देता है, आप सब्जियाँ बेचिए, सरपंच जी के यहाँ काम करने मैं चली जाया करूँगी। लेकिन बिटिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं पिताजी, मैंने कहा ना आप ज्यादा काम नहीं करेंगे। रामू जानता था कि विमला नहीं मानेगी, इसलिए वो विमला को नहीं रोकता। अगले सुबह विमला घर के सारे काम खत्म करके सरपंच जी के यहाँ काम करने जाती है। विमला एक नौजवान लड़की थी, विमला मन लगाकर सरपंच जी के यहाँ काम कर रही होती है कि तभी सरपंच आता है। लड़की तू रामू की बिटिया है ना? हाँ सेठ जी, वो मेरे पिताजी है। रामू तो कह रहा था कि वह काम करने आएगा, चलो कोई नहीं, मुझे काम से मतलब है, चाहो तुम करो या रामू करे। मालिक, पिताजी की अब उम्र हो गई है, उनसे ज्यादा काम नहीं होता है, इसलिए उनके बदले मैं ही आया करूँगी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम विमला है सेठ जी। विमला, वाकई में बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विमला को सेठ की हरकत कुछ ठीक नहीं लगती, परंतु वो अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। विमला सेठ के घर काम करती और सेठ पूरे दिन उस पर नजर रखता। विमला को समझ आ रहा था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो शांति से अपना काम करती और अपने घर वापस आ जाया करती। एक दिन विमला सरपंच के घर में खाना बना रही थी, तभी सरपंच वहाँ आता है और कहता है, विमला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना सेठ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? विमला देख, मैं तेरे भले के लिए कहना चाहता हूँ, तेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं और अब उनसे मेहनत नहीं होती,
मैं उनकी सारी परेशानियां समझ सकता हूँ। वह चाहते हैं कि तेरी एक अच्छे घर में शादी हो जाए। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, पर मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। देख विमला, यह फालतू की भाषण मत दे। मैं तो तेरे भले की ही बात कह रहा हूँ। अगर तुझे समझ नहीं आती तो कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे अपने काम से निकालेंगे? सेठ जी, मैं ही ये काम छोड़कर जा रही हूँ। लालत है आप जैसे लोगों पर। विमला सेठ जी को सुनाकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है और सोचती है, अगर ये सब मैंने पिताजी को बताया तो वो परेशान हो जाएंगे। मुझे ये बात छुपानी होगी, परंतु अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करूँगी। विमला ये सब सोच रही होती है और सोचते सोचते घर जाने की जगह एक जंगल में पहुँच जाती है। विमला कभी घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो रास्ता भटक चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दाएं जाए या बाएं जाए। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पिताजी घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं कैसे वापस जाऊँ। विमला बहुत उदास हो जाती है और वहाँ पर बैठे बैठे रो रही होती है कि तभी विमला के पास एक परी आती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ इस तरह से रो क्यों रही हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ। घर पर पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कृपया मुझे मेरे घर भेज दीजिए। विमला, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? तुम्हें घर जाना है ना? मैं तुम्हें अभी घर पहुँचा देती हूँ। परी जी, सच कहो तो मैं इस बात के लिए परेशान हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? विमला, मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। परंतु आप मेरी कैसे सहायता कर सकती हैं? विमला, मेरे पास एक जादुई लहंगा है जिसके मदद से तुम कुछ भी ले सकती हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। इसके बाद वो लहंगा विमला को दे देती है। जैसे ही वो लहंगा लेती है, परी वहाँ से गायब हो जाती है। विमला परी की बातों को समझ चुकी थी। वो लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। विमला के इतना कहने के बाद जादुई लहंगा उड़ने वाले लहंगे में बदल जाता है और विमला को उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचकर विमला देखती है कि उसके पिताजी घर वापस नहीं आए हैं। पिताजी के घर आने से पहले मुझे सारी चीजें ठीक करनी होंगी। जादुई लहंगे, मेरी झोपड़ी को ठीक कर दो। विमला के कहने पर जादुई लहंगा विमला के घर को एक महल में बदल देता है। वो बहुत बड़ा सुंदर सा एक महल बन जाता है। विमला ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर विमला वो लहंगा पहन लेती है, जिसे पहनने पर विमला पहले से भी ज्यादा और खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर विमला बहुत खुश होती है और वो अब अपने पिताजी के घर आने का इंतजार कर रही होती है। रामू जब घर वापस आता है तो वो अपनी झोपड़ी ना पाकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, यह मैं कहाँ आ गया हूँ? पहले तो यहाँ मेरी झोपड़ी थी। लगता है मैं गलत दिशा की ओर आ गया हूँ। अपने पिताजी को विमला देख रही होती है, तभी उनके पास जाती है और कहती है, पिताजी, ये हमारा ही घर है, आइए अंदर आइए ना। रामू घर के अंदर जाता है। फिर विमला अपनी सारी कहानी पिताजी को सुनाती है। पिताजी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी सभी परेशानियाँ दूर हो गई है। ये जादुई लहंगा हमारी हर तरह से सहायता करेगा। ये सब देख सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है कि अब वो अपनी बेटी को हंसी खुशी से देख सकेगा। अब रामू एक अच्छा सा लड़का देखकर विमला की शादी करा देता है और फिर अपने तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। विमला अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है। नथुपुरा गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था, जिसमें बहुत हरियाली थी। हरे भरे पेड़ पौधे, लाल गुलाबी सुंदर सुंदर फूल गांव की शोभा को और बढ़ाते थे। गांव में सुंदर सुंदर पहाड़, पहाड़ों से बहते हुए झरने बहुत अच्छे लगते। ये कहानी है उस गांव में रहने वाली एक लड़की विमला की, जो नथुपुरा में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। विमला बहुत साधारण लड़की थी, ना ही वो ज्यादा किसी से बातें करती थी और ना ही ज्यादा घुला मिला करती थी। विमला के पिता सब्जी बेचा करते थे और विमला की माँ विमला को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। बेचारी विमला अकेले ही अपने घर में अपने पिता के साथ ही रहती थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन, पिताजी नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता कर लीजिए,
उसके बाद सब्जी बेचने चले जाइएगा। ठीक है बेटी, मैं अभी आता हूँ, तू मेरे लिए खाना लगा कर रख दे। खाना खाने के बाद रामू अपनी सब्जियों का ठेला लेकर गांव-गांव में घूमने लगता है। आलू ले लो, बैगन ले लो, हरी हरी ताजा ताजा सब्जियां ले लो, रस्ते का माल सस्ते में ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। सब्जियां ताजी ताजी बिका करती थी और बची हुई सब्जियां बर्बाद हो जाती थी। सब्जियां बेचकर रामू को कोई फायदा नहीं होता था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बिमला, बिटिया भी बड़ी हो रही है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूँ। आज ही मैं गांव के सरपंच जी के घर जाता हूँ और उससे कुछ काम मांगता हूँ। ये बोलकर रामू अपनी सब्जियों का ठेला लेकर अपने घर वापस चला जाता है। पिताजी, आज आप बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ बिटिया, सभी ताजी सब्जियाँ बिक गई है और यह बासी सब्जियाँ ही रह गई है जिसे कोई नहीं खरीदता है, इसलिए मैं घर वापस आ गया हूँ। पिताजी, आप बहुत निराश नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? तू तो जानती ही है, मैं रोजाना 10 किलो सब्जियाँ लेकर जाता हूँ जिसमें से 3 किलो ही बिकती है। बाकी की सब्जियाँ ना बिकने से खराब हो जाती है और पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जितनी भी सब्जियाँ मैं बेचता हूँ उसमें से कुछ बचत नहीं हो पाता। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं कोई और काम देख लूँ, इसलिए आज मैं सरपंच जी के यहाँ काम मांगने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। इसके बाद रामू सरपंच जी के घर जाता है। सेठ जी, मैं आपके गाँव में रहने वाला एक नागरिक हूँ, आपके पास बहुत आशा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तू वही है ना जो चौराहे पे खड़े होकर सब्जियाँ बेचता है और नदी के पास वाली झोपड़ी में रहता है। हाँ सेठ जी, आपने सही पहचाना, आप तो बहुत ही महान है, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है। हाँ हाँ, मुझे अपने गांव में सभी की खबर रहती है कि कौन क्या कर रहा है। आप बता, तुझे क्या काम है? मालिक, सब्जियों में मेरी कुछ बचत नहीं हो पा रही है और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है जिसका मुझे विवाह भी करना है, इसलिए अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुझे काम चाहिए तो कल से काम पर आ जाना। तू मेरे घर पर नौकरों के साथ काम कर लेना, बदले में मैं तुझे 3000 रुपए महीने के दे दिया करूँगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। इतना कहकर रामू अपने घर जाता है और अपनी सारी कहानी अपनी बेटी विमला को बताता है। बेटिया, सरपंच जी ने मुझे काम पर रख लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सब्जियाँ बेचने जाऊँ और सब्जियाँ बेचने के बाद सरपंच जी के घर पर जाकर उनके काम भी कर लूँ। परंतु पिताजी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको इतना काम करना शोभा नहीं देता है, आप सब्जियाँ बेचिए, सरपंच जी के यहाँ काम करने मैं चली जाया करूँगी। लेकिन बिटिया। लेकिन कुछ नहीं पिताजी, मैंने कहा ना आप ज्यादा काम नहीं करेंगे। रामू जानता था कि विमला नहीं मानेगी, इसलिए वो विमला को नहीं रोकता। अगले सुबह विमला घर के सारे काम खत्म करके सरपंच जी के यहाँ काम करने जाती है। विमला एक नौजवान लड़की थी। विमला मन लगाकर सरपंच जी के यहाँ काम कर रही होती है कि तभी सरपंच आता है। लड़की, तू रामू की बिटिया है ना? हाँ सेठ जी, वो मेरे पिताजी है। रामू तो कह रहा था कि वह काम करने आएगा। चलो कोई नहीं, मुझे काम से मतलब है, चाहो तुम करो या रामू करे। मालिक, पिताजी की अब उम्र हो गई है, उनसे ज्यादा काम नहीं होता है, इसलिए उनके बदले मैं ही आया करूँगी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम विमला है सेठ जी। विमला, वाकई में बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विमला को सेठ की हरकत कुछ ठीक नहीं लगती, परंतु वो अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। विमला सेठ के घर काम करती और सेठ पूरे दिन उस पर नजर रखता। विमला को समझ आ रहा था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो शांति से अपना काम करती और अपने घर वापस आ जाया करती। एक दिन विमला सरपंच के घर में खाना बना रही थी, तभी सरपंच वहाँ आता है और कहता है, विमला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना सेठ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? विमला देख, मैं तेरे भले के लिए कहना चाहता हूँ, तेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं और अब उनसे मेहनत नहीं होती, मैं उनकी सारी परेशानियाँ समझ सकता हूँ। वह चाहते हैं कि तेरे एक अच्छे घर में शादी हो जाए। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, पर मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। देख विमला, यह फालतू की भाषण मत दे,
मैं तो तेरे भले की ही बात कह रहा हूँ। अगर तुझे समझ नहीं आती तो कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे अपने काम से निकालेंगे? सेठ जी, मैं ही ये काम छोड़कर जा रही हूँ, लालत है आप जैसे लोगों पर। विमला सेठ जी को सुनाकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है और सोचती है, अगर ये सब मैंने पिताजी को बताया तो वो परेशान हो जाएंगे, मुझे ये बात छुपानी होगी, परंतु अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करूँगी। विमला ये सब सोच रही होती है और सोचते सोचते घर जाने की जगह एक जंगल में पहुँच जाती है। विमला कभी घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो रास्ता भटक चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दाएं जाए या बाएं जाए। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पिताजी घर पर मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं कैसे वापस जाऊँ। विमला बहुत उदास हो जाती है और वहाँ पर बैठे बैठे रो रही होती है कि तभी विमला के पास एक परी आती है। क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ इस तरह से रो क्यों रही हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ, घर पर पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं, कृपया मुझे मेरे घर भेज दीजिए। विमला, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें अभी घर पहुँचा देती हूँ। परी जी, सच कहो तो मैं इस बात के लिए परेशान हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। विमला, मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। परंतु आप मेरी कैसे सहायता कर सकती हैं? विमला, मेरे पास एक जादुई लहंगा है जिसकी मदद से तुम कुछ भी ले सकती हो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। इसके बाद वो लहंगा विमला को दे देती है। जैसे ही वो लहंगा लेती है, परी वहाँ से गायब हो जाती है। विमला परी की बातों को समझ चुकी थी, वो लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे मुझे मेरे घर पहुँचा दो। विमला के इतना कहने के बाद जादुई लहंगा उड़ने वाले लहंगे में बदल जाता है और विमला को उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचकर विमला देखती है कि उसके पिताजी घर वापस नहीं आए हैं। पिताजी के घर आने से पहले मुझे सारी चीजें ठीक करनी होंगी, जादुई लहंगे मेरी झोपड़ी को ठीक कर दो। विमला के कहने पर जादुई लहंगा विमला के घर को एक महल में बदल देता है, वो बहुत बड़ा सुंदर सा एक महल बन जाता है। विमला ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर विमला वो लहंगा पहन लेती है, जिसे पहनने पर विमला पहले से भी ज्यादा और खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर विमला बहुत खुश होती है और वो अब अपने पिताजी के घर आने का इंतजार कर रही होती है। रामो जब घर वापस आता है तो वो अपनी झोपड़ी ना पाकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, यह मैं कहाँ आ गया हूँ, पहले तो यहाँ मेरी झोपड़ी थी, लगता है मैं गलत दिशा की ओर आ गया हूँ। अपने पिताजी को विमला देख रही होती है, तभी उनके पास जाती है और कहती है, पिताजी ये हमारा ही घर है, आइए अंदर आइए ना। रामो घर के अंदर जाता है। फिर विमला अपनी सारी कहानी पिताजी को सुनाती है। पिताजी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी सभी परेशानियाँ दूर हो गई है, ये जादुई लहंगा हमारी हर तरह से सहायता करेगा। ये सब देख सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है कि अब वो अपनी बेटी को हंसी खुशी से देख सकेगा। अब रामू एक अच्छा सा लड़का देखकर विमला की शादी करा देता है और फिर अपने तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। विमला अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।